आपको बताया था ना मेरे घर में शादी है, तो अभी मैं ना मार्केट जा रही हूँ और आज मैं पैदल चल के जा रही हूँ। हॉस्पिटल से मैं पैदल ही निकल गई क्योंकि मैं गाड़ी घर छोड़ के आई। देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज़ धूप है, देखिए इतनी तेज़ धूप है कि मेरी इतनी डार्क परछाई दिख रही है। हमें पैदल पैदल अपने हाथ में अपना सामान लेके बस मैं चली जा रही हूँ। और मेरे कुछ कपड़े स्टिचिंग के लिए डले हुए थे, मुझे बस वही लेकर आने, जल्दी से वो लेकर फिर मैं आती हूँ। फिर मैं अपने सिस्टर को कॉल कर दूँगी तो वो मुझे लेने आ जाएगी, तो फिर मैं घर चली जाऊँगी। और पता नहीं मेरा फेस दिख रहा है वीडियो में ब्लॉग। तो गाइज आज है मेहंदी का फंक्शन और अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ मेहंदी के फंक्शन में जाने के लिए, और उससे पहले ही मैंने अभी लगा ली है मेहंदी। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, बस पीछे एक फूल लगाया है और ये फिल्स कर लिए हैं, और नेल्स मैंने ब्लैंक छोड़ दिए, मतलब नेल्स मैंने फिल नहीं किए हैं और ना मैं इसमें नेल पेंट लगाऊंगी, ये ऐसे ही वाइट रहने दूंगी। तो अभी बस ये थोड़ा सूख जाए उसके बाद मैं रेडी होती हूँ मेहंदी में जाने के लिए, मेहंदी के फंक्शन में। मेहंदी और भात दोनों चीज़ें हैं अभी, तो उसमें जाने के लिए मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। और अगर मैं बीच में कुछ और करती हूँ तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में तो मैंने मेहंदी लगा रखी थी ना, तो अभी मैं एक हाथ से रेडी हो गई हूँ। आप लोग मेरा लुक ज़रूर बताइएगा। और मैंने अभी काजल नहीं लगाया है क्योंकि मैं नहीं लगा पा रही थी, तो कोई बात नहीं, काजल स्किप कर देते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं शादी वाले घर, मीन्स गार्डन। वो लोग गार्डन में शिफ्ट हैं तो, और पापा नहीं जा रहे हैं अभी भी। शाम को चलोगे ना? हाँ, अगर आपकी तबीयत सही हो और आपकी हिम्मत हो तो चलना। तो अभी अपन चलते हैं गाइस, चल। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई थी गार्डन और मैं बहुत लेट हो गई थी, भात का फंक्शन बस एंड ही होने वाला था, तो मैं जितना भी शूट कर पाई बस मैंने शूट कर लिया है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी मस्ती में इतना बिज़ी हो जाने वाली हूँ कि मैं शायद आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगी। तो गाइस भात में कोई किसी को कपड़े देता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन किसको कपड़े देता है, तो आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कौन किसे देता है कपड़े। तो गाइस अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है नाश्ता कराना, तो नाश्ते में मतलब ऐसा होता है कि आप लोग कुछ भी लेकर जा सकते हो, अगर आपको पता है सामने वाले की चॉइस क्या है तो आप वो भी लेकर जा सकते हो, और आपको नहीं पता है तो जो आपको सही लगे आप वो लेकर जा सकते हो, और ले जाके बस आपको हार पहना के और खिलाना रहता है बस बस यही रहता है गाइस नाश्ता कराना। तो ये सब लोग करते हैं, और शायद आपको मैंने कल वाले हल्दी वाले व्लॉग में भी दिखाया है कि दोस्तों का नाश्ता आया था, मैंने बोला था लेकिन मैं आपको डिटेल में बता नहीं पाई थी कि नाश्ता कैसा क्या आया है वो चीज़। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाश्ता कराने, तो मम्मा हार बना देंगी और मैं मिठाई खिला दूंगी, और फिर मजाक, ये मुझसे मजाक कर बिना नहीं मानता, पहले तो मिठाई खा ही नहीं रहा था, जैसे तैसे तो मिठाई खाई है उसने। देखो देखो फ्रेंड्स कैसे कितनी मुश्किलों से मिठाई खाई है, खा ही नहीं रहा था। तो अभी मैंने मिठाई खिला दी है, और पता नहीं मम्मा ने उसे ऐसा क्या बोला है कि उसने मुझे मिठाई खिला दी मुझे समझ ही नहीं आया मम्मा ने क्या बोला। मैं पता चल जाएगा मुझे।
तो फ्रेंड्स यही सही तरीका है अचानक से मिठाई खिलाने का, कि सोचता ही रह जाए इंसान और उसे मिठाई खिला दी जाए। मेरे हाथ से तो खा नहीं रहा था, लेकिन मेरी सिस्टर ने देखिए कितने अच्छे से मिठाई खिलाई, एकदम से मुंह में रख दी। तो अभी हम लोग के नाश्ता कराने के साथ साथ भी भाभियाँ भी आ गई हैं नाश्ता कराने, और जब हम सब लोग इकट्ठे होकर नाश्ता कराते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आप देखिए इसके गले में हार ही हार हो गए, मतलब कितनी सारी माला इसके गले में ही दिख रही हैं। तो बस यही होता है जब सब इकट्ठे मिलकर नाश्ता कराते हैं ना। तो बस हम लोगों ने भी इकट्ठे ही नाश्ता कराया था, सभी लोग थे मतलब, तो बहुत मज़ा आया। तो गाइस अभी हो गया है मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट। तो मेहंदी करती है दूल्हे की बहन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फंक्शन में होता क्या है। तो इस फंक्शन में जो दूल्हे की बहन होती है वो कपड़े वगैरह सब कुछ लेकर आती है दूल्हे के लिए, सारा सामान लेकर आती है ग्रूमिंग का, और शादीशुदा बहनें करती हैं मेहंदी, मोस्टली शादीशुदा करती हैं, कुछ जगहों पर अनमैरिड भी कर देती हैं। तो जो सामान वो लेकर आती है तो उसका हस्बैंड सब कुछ पहनाता है, शूज़ वगैरह कपड़े वपड़े, और फिर साफा भी बंधेगा अभी, और फिर दूल्हा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा दूल्हा, फिर बारात निकलने के लिए रेडी हो जाएगी। तो बस अभी जैसे ही ये फंक्शन पूरा होगा इसके बाद हम लोग घर जाएंगे और रेडी होकर फिर हम वापस आएंगे। तो वो व्लॉग मैं आपको अलग से दूंगी बारात वाला, लेकिन ये तो मेहंदी का व्लॉग है तो ऐसे मेहंदी का ही रहने देते हैं, और आप इंजॉय कीजिए इस फंक्शन को। गाइज अभी लगभग साफा बंद गया है, तो बस अभी बारात के निकलने का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर से बारात निकलेगी, हम लोग बस घर जाके रेडी होकर वापस आते हैं, उसके बाद बारात निकलेगी। तो बारात का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।